देश की बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए जलवायु परिवर्तन की वजह से प्याज और लहसुन की खेती के दौरान उभरती समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान को तेज करने की जरूरत है। भविष्य की जरूरतों को देखते हैं तो अनुसंधान और विकास गतिविधियों की दिशा में एक दीर्घकालिक दृष्टि के विकास की आवश्यकता है। 2050 तक उत्पादन और निर्यात में शिखर पर पहुंचने के लिए सभी हिस्सेदारों के साथ समन्वित कार्यक्रम लागू किया जा चुका है। 2050 में प्याज और लहसुन दोनों की वर्तमान दर के अनुसार उत्पादकता, साथ ही निर्यात की बढ़ी हुई दर, प्रसंस्करण और फसल काटने के बाद के नुकसान के बाद अनुमानित उत्पादन प्राप्त करने के लिए DOGR प्रयास करेगा। इसके लिए दृढ़ निश्चय और समुचित योजना बनाने की आवश्यकता है। हमारे पास सक्षम किस्में हैं जो प्याज में 40 टन प्रति हेक्टेयर और लहसुन में 12 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार दे सकती हैं। हम खरीफ के दौरान और खरीफ के बाद के मौसम में प्याज उगाकर और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में लहसुन और प्याज को बढ़ावा देकर भी इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। दोनों फसलों में कीटनाशक और रोगों की प्रतिरोधक किस्मों के साथ गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। DOGR को पूरा भरोसा है कि भारत जल्द ही प्याज और लहसुन के उत्पादन और निर्यात में विश्व भर में एक अगुआ बनकर उभरेगा। ये सिर्फ कुछ ही समय की बात है, ऐसा हमारा विश्वास है। सामान्य रसोई से लेकर